आपने अभी तक TMT चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे। नमस्कार, TMT न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आमना खान। खंडवा जिले के मोगट थाना पुलिस को शातिर बदमाशों को पकड़ने में सफलता हाथ लगी है। पकड़े गए शातिर बदमाश शहर की भोली भाली जनता को नोट डबल करने का झांसा देकर बेवकूफ बनाने का काम कर रहे थे। लोगों की शिकायत के बाद मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने उनके ठिकानों पर धावा बोलकर वहां से आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने केमिकल द्वारा लोगों को लूटने की बात को स्वीकार किया है। दिनांक 15-16 जनवरी को बेड़दा बल्ला गाँव है, धारणी के ऐसे 20 किलोमीटर दूर वहाँ पे एक व्यक्ति जो है साड़ी बेचने के लिए वहाँ पर गया हुआ था। दोपहर की बात है, तो वहीं उसी गांव का निवासी बालू बालस्कर, उससे उसने पानी मांगा। पानी लेके जब वो बालू बालस्कर आया, ये भी उसके घर में पहुँचा, पानी वानी पी के जो उसने बोला, भाई तुम्हारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, बोले हमारे जो बाबा एक हैं, बोले हम उनके पास तुमको ले चले गए तो तुम्हारा पैसा जो है दुगना कर देंगे। तो ऐसे ही झांसा दे के उनको जो है उसने अपना मोबाइल नंबर दिया और इनका भी मोबाइल नंबर लेकर जो है वो उसने करीबन जो है इसको 2 दिन बाद जो है फोन लगाया और यहाँ पे 28 तारीख को जो है इनको जो है डेढ़ तलाई में बुलाया। तो डेढ़ तलाई में फरियादी और उसका लड़का वहाँ पहुँचने के बाद वो जो है उसको वहाँ पास में नाले के पास ले गए और फरियादी से उसने जो है 50 रुपये का नोट दिया। उस नोट को कागज़ पे रख के उसी साइज़ का काटा और एक कांच के अंदर रख के उसमें कुछ केमिकल वगैरह लगा के पानी में डाला तो 50 के जो है 2 नोट हो गए। वो असली नोट उसको वापस कर दिया और जो है बाकी जो है उसने दूसरा नोट अपने पास रख लिया। तथा फरियादी वो उसके लड़के को कहा कि अगर तुम वो जो है 60,000 लोगे तो उसके हमको कुछ दुगना करके दे देंगे। ऐसी बात होने के बाद वो चले गए। फिर पुनः इनको फ़ोन करके बोला कि आप जो है 60,000 रुपये लेके आ जाओ तो हम जो है दुगना कर देंगे। 28 तारीख को इनको बुलाया, खंडवा बुलाया था। ये लोग खंडवा बस स्टैंड पहुँचे। खंडवा बस स्टैंड से जो है ये इनको अपना बंदाना रोड पे नदी किनारे ले गए और उनसे कहा भाई पैसे ले आए, तो उन्होंने कहा कि इतने रुपए की तो व्यवस्था नहीं हुई है।